हेलो गाइस, दिस इज उत्सव एंड आज मैं बात कर रहा हूँ एक स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में जो कि है एलईडी बल्ब। इसे स्पेशल बनाता है इसका ये फीचर। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या इसमें और विकास। इस तरह की पैकेजिंग के साथ आता है मेरे पास जो बल्ब है वो फिलिप्स ब्रांड की तरफ से। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो मेंशन किए गए हैं। इन्वर्टर लैंप इसे कहा जाता है। इन्वर्टर लैंप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से ये काम करता है ये पूरा कॉन्सेप्ट इन्वर्टर की तरह है। मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, आप देख सकते हैं। 9 वोल्ट का बल्ब है, क्रिस्टल वाइट 6500 केल्विन का इसका आउटपुट है एंड एलईडी बल्ब है, B22 का इसका सॉकेट है। इस तरह का होल्डर है जो हमारे इंडियन सारे हाउसेस में मिल जाता है इजीली। बॉक्स ओपन करके हम इसे देख लेते हैं। ये है इसका साइज़ और इसका साइज़ बड़ा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लगा है 2200 mAh का बैटरी। बैटरी बैकअप मैक्सिमम है 4 आवर का। कंपनी क्लेम करती है 4 आवर तक ये बैटरी बैकअप देता है, यानी कि लाइट जाने के बाद में बैटरी से ये 4 घंटे तक चलता है। और ये चलता कुछ इस प्रकार से है, आपको मैं सिंपली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस तरह से जब ये कनेक्ट रहता है तो इस तरह ये बैटरी मोड पर चल रहा है, क्योंकि बैटरी मोड इसका ऑन करने के लिए मेरे इंट्रो में मैंने स्टार्टिंग आपको दिखाया था, यहाँ पर मैंने कॉइन लगाया था। जब ये दोनों आपस में टच होते हैं तब ये स्विच की तरह काम करता है और बैटरी मोड ऑन हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहता है तब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगता है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मैंने उसे प्लग इन कर दिया है। और प्लीज़ आप इसे घर पर ट्राई ना कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी, इस समय जब ये चल रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, इसका जो आउटपुट है वो 100% आ रहा है, यानी कि 9 वोल्ट का आउटपुट ये देख। लेकिन जब ये इंटरनल बैटरी से ऑन रहता है तो इसका आउटपुट जो आता है वो है 4.5 वाट, क्योंकि यहाँ पर इसके बॉक्स पर भी मेंशन किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा गया रिलेटेड ल्यूमेन 900 इन नॉर्मल मोड, रिलेटेड ल्यूमेन में ड्रॉप बाय 50% इन द बैटरी बैकअप मोड। चार्जिंग टाइम इसका जो है वो 8 to 10 आवर है, यानी कि ये 8 से 10 घंटे लगातार ऑन रहने पर चार्ज होता है। आपको इसको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जब ऑन होता है तो चार्ज होता रहता है। जब ये फुल चार्ज होता है तो बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होना बंद कर देती है, यानी बैटरी फुल चार्ज होने के बाद में नॉर्मल बल्ब चलने लगता है, उसके बाद ये चार्ज होना लगभग बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी इससे ओवर चार्ज हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ भी, या फिर आपको अलग से निकल कर चार्ज करना रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब देखने के बाद में आपको लग रहा होगा क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दिया है मैंने, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ मैंने आपको दिखाया आपको सिंपली इस बल्ब को अपने घर के किसी होल्डर में इंस्टॉल करना होगा जहाँ पर नॉर्मल आप बल्ब को इंस्टॉल करते हैं। आपको इसे नॉर्मली वहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। आपके लिए इसे टच करने का काम आपके घर के बाहर लगा ट्रांसफार्मर करता है, जो कि हर कहीं पर लगा रहता है ट्रांसफार्मर। वो ऑटोमेटिकली जब लाइट चली जाती है, यानी कि पावर कट हो जाता है, तब कहीं ना कहीं वो आपस में टच हो रहा है होता है, जिसके कारण आपका ये बल्ब आप घर के अंदर ऑन हो जाता है। लेकिन आपको इसे ऑफ या ऑन करने के लिए आपके घर में जो नॉर्मल स्विच होता है जिससे आप नॉर्मल बल्ब को ऑन या ऑफ करते हैं, उसी से इसे ऑपरेट करना रहता है। आगे अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे ये कैसे काम करता है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ कुछ कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। आप अगर इसे ट्राई करने के लिए अगर सोच रहे हो कि हमने इसे होल्डर में इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ से पावर ऑन है, यहाँ से आपने स्विच ऑन किया हुआ है, और आप सोच रहे हो कि MCU जाके ऑफ कर देंगे तब ये ऑन होगा, लेकिन तब ऐसी कंडीशन में ऑन नहीं होगा। आप सोच रहे हैं मेन स्विच को आगे से ऑफ कर दे तब भी ये काम करेगा, तब भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब ऑफिशियली जब पावर हाउस से जब लाइट्स ऑफ होती है, यानी पावर कट होता है, तब कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर के अंदर ये यहाँ से जो दोनों वायर है वो वहाँ पर टच हो रहे होते हैं, इसीलिए ये ऑन होता है। क्योंकि इसे ऑन रहने के लिए इन दोनों पॉइंट का टच होना ज़रूरी है। अगर ऑफिशियली लाइट्स गई है तो ये ऑन हो जाएगा, वहाँ पर कोई इशू आपको नहीं आएगा। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको इसे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। तो चलिए इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, यानी कि पावर ऑफ हो गया है, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है और अभी मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ। स्विच को ऑन करने के बाद में अभी ये स्विच को मैंने ऑन किया है, और ऑन करने के बाद में जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो बैटरी मोड से बल्ब ऑपरेट हो रहा है। इस समय इसे नॉर्मली उसी स्विच से ऑपरेट करना है जिस स्विच से आप नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के होने पर बल्ब को ऑपरेट करते हैं। दोनों का एक ही स्विच रहता है, अलग से कुछ भी नहीं करना है। सारे स्विच में आपको ऑन करके दिखाता हूँ, बल्ब के अलावा और कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फैन ऑफ है, ओनली सिर्फ इमरजेंसी बल्ब जल रहा है क्योंकि वो बैटरी से चलता है, तो बैटरी से चल रहा है। यहाँ पर मैं एक और बल्ब को इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दो बल्ब का आउटपुट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे रूम में मैंने दो इमरजेंसी बल्ब को इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि दोनों के लाइट जाने के बाद में मुझे जो आउटपुट मिलता है दोनों बल्ब का वो 9 वोल्ट का ही मिलता है, यानी कि
लाइट जाने के बाद भी मुझे 9 वोल्ट का ही आउटपुट मिलता है। सारे स्विच मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सिर्फ बल्ब के अलावा और कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट्स नहीं है। नॉर्मली स्विच से ही आपको इसे ऑपरेट करना रहता है। स्विच से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं जब लाइट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑन ही रहेगा। आप इसे उसी स्विच से ऑफ या ऑन कर सकते हैं और जब लाइट्स वापस आ जाती है तब भी ये ऑन रहता है लेकिन चार्ज होने लगता है। और आप इसी स्विच से उस टाइम पर भी इसे ऑफ कर सकते हैं और ऑफ करने के बाद में ये चार्ज नहीं होगा। इस समय मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है और लाइट्स आने के बाद में ये बल्ब उसी स्विच से चल रहा है और अब ये टोटल 9 वोल्ट पर चल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। और सेकेंड जो बल्ब है उसको मैंने ऑफ कर रखा है, उसको भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दोनों जो बल्ब है दोनों मैंने ऑन कर दिए हैं। इसे उसी स्विच से ऑन या ऑफ करना रहता है। ये फैन का स्विच मैंने अब ऑन करा है तो लाइट्स आ चुकी है इसीलिए फ़ैन भी ऑन हो रहा है। और ये ट्यूबलाइट एक ऊपर लगा है, इसे ऑन करने पर वो भी चल रही है। उस टाइम पर आपने देखा था कि मैं सारे स्विच ऑन करने पर सिर्फ 2 बल्ब जल रहे थे, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं जल रहा था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर इससे रिलेटेड आपका कुछ भी सवाल है या आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप अगर इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेज़न का लिंक दिया है, जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइज़।